यस गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 9 सदाचार के क्वेश्चन आंसर 5 तक करवाए थे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं विचलित क्यों नहीं होते, ये क्वेश्चन करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, सदाचार सफलता का मार्ग है कैसे। यस ओपन योर बुक, सॉरी ओपन योर नोटबुक, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में वर्क करना है। जब वर्क आपने कंप्लीट किया था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, उससे ऑनलाइन गैप करके उसके नीचे से ही वर्क स्टार्ट करना। ओके महापुरुष हमारे आदर्श है,
उनका सदव्यवहार, सदव्यवहार होता है अच्छा व्यवहार, सदव्यवहार हमारे लिए अनुकरणीय है। महापुरुष हमारे आदर्श है क्योंकि उनका सदव्यवहार हमारे लिए अनुकरण, मतलब फॉलोवर्स उनके व्यवहार को क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं उनके, ठीक है। महापुरुष सदाचरण करते हैं, मतलब उनका आचरण अच्छा रहता है। महापुरुष सद आचरण, अच्छा आचरण जिसको बोलते हैं, सद आचरण करते हैं। नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है ना, उसी के नीचे लिखो विपरीत, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे, शब्द लिखे। फर्स्ट है इधर शब्द और इधर विपरीत अर्थ लिखना, आपको यहाँ लिखना है शब्द और शब्द के सामने लिखना विपरीत अर्थ, और सदाचार, सदाचार का विपरीत क्या हो जाएगा उल्टा, जिसको अपोजिट बोलते हैं दुराचार, दुराचार। फिर नेक्स्ट है ईमानदार, एक ईमानदार व्यक्ति होता है जो झूठ नहीं बोलता है, उसका अपोजिट बेईमान, बेईमान। नेक्स्ट है सम्मान, सम्मान मिलना किसी को तो उसका अपोजिट हो जाएगा अपमान करना, अपमान। नेक्स्ट है निर्भय, जिसको किसी का डर नहीं होता वो होता है निर्भय, और जो डरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं भयभीत, जो डरते हैं उसको बोलते हैं भयभीत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूल, अनुकूल यानी अपने अनुकूल होना, अपने अकॉर्डिंग होना, अनुकूल का विपरीत हो जाएगा प्रतिकूल, मतलब अपने प्रतिकूल है रुचि है, ठीक है। नेक्स्ट है सद्गुण, सद्गुण यानी अच्छे गुण, और सद्गुण का उल्टा क्या रहेगा निर्गुण, या सॉरी निर्गुण नहीं दुर्गुण, बुरे गुण होते उसको बोलते हैं दुर्गुण। रिपीट, सदाचार का दुराचार, ईमानदार का बेईमान, सम्मान का अपमान, निर्मय भयभीत, अनुकूल प्रतिकूल, सद्गुण दुर्गुण। राइट डाउन कीजिए, आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ये। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता ये रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।